नमस्कार मुँ स्वागतिक चाहू चाहू बर्षे बीतीगला विदा ने जाऊँगी 2021 स्मृति छाड़ जाऊँगी विदाई बर्ष कोरोना चे ए बर्ष सारा कलबल कर कल्पना कर प्रियजन को हर दुख सारा दुनिया सहिला भैक्सीन भी रहिला फोकस केवल कोरोना नुहे अन्य किछि घटना भी रही चर्चा रे बिना दर्शक रे टोकियो ओलंपिक्स हो अबा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पुणी 21 वर्ष पर भारत को मिस यूनिवर्स मुकुट विभिन्न देश में राजनैतिक हट्टचमट भी सामना को आसीथिला आउ एहारे भितरे अमेरिका रे बिडेन को शपथ ग्रहण G20 समिट चीन रो विस्तारवाद एजेंडा तालिबान रिटर्न्स पाकिस्तान रो दोमुहा नीति एमती किसी प्रसंग को नहीं घटना बहुत 2021 राजनैतिक दृष्टिकोण 2021 अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विश्वर शक्तिशाली देशर राष्ट्रपति भाव में शपथ नेले जो बिडेन प्रथम थर पर जो महिला उपराष्ट्रपति को पाइला अमेरिका कोरोना काल में G20 समिट भी रहिला चर्चा रे आउ एहारे भितरे अफगानिस्तान नु अमेरिका सेना प्रत्याहार सहित तालिबान शासन फेरिबा थिला सबुठारु चर्चित घटना तबे युक्रेन एवं म्यांमार भली देशरे देखादेला राजनैतिक अस्थिरता ताइवान को नहीं चीन रो विस्तारवाद एजेंडा भी सामना को आसला सेपरि 10 वर्ष शासन पूरा करने अवसर में देशवासी हसीबा उपरे रोक लगाई पुणी चर्चा रही थे उत्तर कोरिया शासक किंग जन उन आरंभ होगा जो प्रथम घटना चर्चा रही था अमेरिकार कैपिटल हिल्स हिंसाकांड पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक जो कांड घटाइले ताहा देखि स्तब्ध होगला सारा दुनिया यार भितर समस्त नजर थिला राष्ट्रपति जो बिडेन शपथ समारोह पर 46वां अमेरिका राष्ट्रपति भाव शपथ नेले जो बिडेन एथस प्रथम करी अमेरिकार महिला उपराष्ट्रपति हेले कमला हारिस कोविड को दृष्टि रखी शपथ ग्रहण समारोह खूब कम लोकर आयोजन होगा रोम्रे अनुष्ठित G20 शिखर सम्मेलनी रही चर्चा जो विश्वर 20 देशर मुख्य जोगदे प्रस्तुत कले भविष्य योजना राष्ट्रपति जो बिडेन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगदे अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं विश्वर ध्यान आकर्षण कले जलवायु परिवर्तन संक्रांत मिलित जातिसंघ फ्रेमवर्क सम्मेलनी COP26 रही चर्चा परस्पर उपर दोष न लदी किभरी विश्व यह समस्या मुकाबला करी से नहीं कार्यक्रम कर फोकस निज पूर्व घोषणा मुताबक अफगानिस्तान रो सेना प्रत्याहार प्रक्रिया आरंभ करदेला अमेरिका हेले राष्ट्रपति जो बिडेन जे एत तरबरिया सेना फेर ने कल्पना कर देश संकट रे थिबा समय रे तत्कालीन अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी फेरार होगले आउ जहाँ आकलन कराउला आहुरी जल्दी पूरा अफगानिस्तान को निज कब्जा को नहीं गला तालिबान क्षमता को फेरिबा सह तालिबान नीति दुनिया सामना को आसला एपरिकी क्षमता युद्ध में अफगान निरीह लोक जे समस्या सम्मुखीन होते देखला सारा दुनिया पाकिस्तान अनेक घटना मध्य रही चर्चा विशेषकर देशर आर्थिक संकट मुकाबला करिवारे किभली विफल होती इमरान खान ताहा देखिला दुनिया देश संकट में थिबा समय रे पाकिस्तान किभली अफगानिस्तान रे तालिबान सरकार रे मुंड खेलाउथला ताहा नजर को आसला समय समय रे इमरान को नहीं पाकिस्तानी जनता असंतोष भी रहिला चर्चा रे सेनार विद्रोह अशांत हेला म्यांमार राज रास्तार बुलिला मिलिटारी टैंक विरोधी बर्षिला गुड़ी एमती दृश्य जहाँ गणतंत्र आद शुभंकर नथिला
पॉलिटिकल क्राइसिस भितर म्यांमार एमती बेसी हो कल्पना कर यूक्रेन सीमा संकट भी 2021 रे रहितला चर्चा रे सीमा रे लगातार भाबे रूस निज सैन्य को मुतयन करी युद्धाभ्यास करूथिबारु चिंता प्रकट करितला यूक्रेन एपरी कि यूक्रेन ऊपर आक्रमण नहीं मध्य रूस योजना करूथिबा चर्चा हला अवश्य परवर्ती समय रे यहा को खंडन कला रूस एने अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य चर्चा कले जो अमेरिका भी दिला रूस को कड़ा चेतावनी सारा विश्व जेतेबेले कोरोना सह मुकाबला करूथला चीन सेतेबेले भी जारी रखिथिला विस्तारवादी एजेंडा केतेबेले भारत पुणी केतेबेले ताइवान लागी रहिला तीक्तता हेले सबुठी चीन को मिलिला मुहतोड़ जवाब ताइवान को दबाइबा को भरपूर प्रयास कला ड्रागन हेले अमेरिका समर्थन सह चीन को तारी भाषा रे जवाब देला ताइवान शासक किम जंग उन भी रही चर्चा देश में कोरोना महामारी नीति हो कि बापा श्राद्ध वार्षिकी में बसवा कटक लगे प्रमाणित करूला किम जंग उन क्षेत्र में कौन पर आसनी अनेक देश में क्षमता परिवर्तन देखा मिलला आंजेला मर्केल परे जर्मानी नुआ चांसलर हेले ओलाफ स्कुल्ज लेबनान भली देश किभरी सरकारी दुर्नीति जो प्रभावित हेला ताहा मध्य रहिला चर्चा एथिस इस्राइल और पालेस्टाइन बिवाद 2021 रे नेला उग्र रूप राजनैतिक दृष्टिकोण अनेक गुरुत्वपूर्ण घटनावली को चर्चा रहा 2021 अनेक बिवाद शांत पड़ा पुणी किसी नुआ बिवाद जन्म नेला अपेक्षा यह आगामी दिन में क्यों रूप नौ रिपोर्ट न्यूज एक्सपोरिया 2020 परी 2021 कोविड सह मुकाबला कला सारा विश्व विशेषकर डेल्टा प्लस भारियंट एमती कलबल कर कही भी कल्पना कर लॉक अनलॉक गाइडलाइन भितर चलिला जीवन हेले 2021 सबुठारु बड़ा उपलब्धि थिला वैक्सीन जो थे भारत भूमिका को सारा विश्व प्रशंसा कला खूब कम दिन में 100 कोटी वैक्सीन दे सारा विश्व को सकारात्मक बार्ता देला भारत अनेपटे सबकि ठीक होता बेले ओमिक्रॉन पलटिला बड़ टेंशन जार मुकाबला समस्त बड़ चैलेंज दुहजार कोड़े मार्च सुधा विश्व कोरोना को नहीं एते चिंतित नथिला हेले यहा परे परे जे कोरोना एते उग्र रूप धारण करिवो केही कल्पना करि नथिले समस्त आशा रही 2021 रे स्वाभाविक हेब जीवन हेले कोरोनार द्वितीय लहर सबु किछि बिगाड़ देला वर्ष तमाम कोरोना कोप देखिला सारा विश्व विशेषकर डेल्टा प्लस भारियंट पर स्थिति पूरा पूरी बिगिड़गला एक प्रकार सबु किछि स्वाभाविक हेबानी प्रक्रिया आरंभ होता बेले कोरोनार नुआ भारियंट अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस भली अनेक देश में एभली काय विस्तार कला जे भारत भी ताठू बढ़ती पार्लानी दिनों दिन संक्रमण बढ़ु थाए एपटे हॉस्पिटल रे रोगी को चिकित्सा करने को जगह कम पड़ु थाए अनेक विकसित राष्ट्र भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में केते पछरे रही सामना को आणला डेल्टा प्लस वेरिएंट जहाँ पूर्वरु देखा मिलता एप्रिल जून मध्य डेल्टा प्लस को नहीं भारत समेत विभिन्न स्थान में देखा मिलला गंभीर स्थिति
2020 ଆଉ 2021 ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଫରକ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଇଜର ହେଉ କି ସ୍ପୁଟନିକ୍, ପୁଣି ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସମୟ ସହ ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଥିଲା କରୋନା ପ୍ରକୋପ କମାଇବାକୁ କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ତାହା ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଦୁନିଆ। ଆମେରିକା ହେଉ କି ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ କି ଭାରତ, ଜୋରଦାର ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କମ୍ ରହୁଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ସମ୍ଭବ, ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ କରି ଦେଖାଇଲା ଭାରତ। ଏଥିସହ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିଲା ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବି ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଟିକାକରଣ ଜୋରଦାର ହେବା ସହ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯେ ଏମିତି ସଂକ୍ରାମକ ହେବ, ତାହା ଥିଲା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଓମିକ୍ରନ୍। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଲା ଏହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ତାହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଲାଗିଲାଣି କଟକଣା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଦେଶରେ ଲାଗିଲାଣି କଳା କଟକଣା। ଚୀନ୍ ତ ଉହାନ ଭଳି ସିଆନ୍‌ରେ ଲଗାଇ ସାରିଲାଣି କଟକଣା। ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାନି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଦେଖାଦେଇଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରକୋପ, ଯାହାର ମୁକାବିଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା କାଳରେ ଯେ ସବୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଆୟୋଜିତ କିଛି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ବି ରହିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏସବୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୋହଲାଇ ଦେଲା କରୋନା। ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସୁଧୁରିଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଡାକି ଆଣିଲା ବିପଦ। ମହାମାରୀ ଯେ କେବଳ ଟେନସନ ପାଲଟିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବି କିଛି ଦେଶରେ ଘଟାଇଲା ନାହିଁ ନଥିବା ସ୍ଥିତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଟାଇଫୁନ୍ ହେଉ କି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ। କରୋନା କାଳରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଦୋହଲି ଗଲା ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି। ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନଥିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥନୀତି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା। 2020 ଏମିତି କଟିଯିବା ପରେ 2021ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଡାକି ଆଣିଲା ବିପଦ। ଭଳି 2021ରେ ବି ସମାନ ଧରଣ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିଛିଟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ 2020ରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ସହିଛି ଅର୍ଥନୀତି, ତାର ଭରଣା କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଟେନସନ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଧୀମା ଗତିରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି, ତାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରି ନପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି କିଛି ଦେଶର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାରି ଭିତରେ ସୁଧହାର ବଢ଼ାଇଲେଣି। କେବଳ କରୋନା କାହିଁକି, 2021ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ହାଇତିରେ ଏଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା ଯେ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ଟିବୁରନ୍ ପେନିସୁଲା। 650,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2248 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେସାହାରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 375 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। 195 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟା।
जुलाई में लगा वर्षा पर चीन हेनान रे हेला भयंकर भूस्खलन बन्या सह भूस्खलन जोगु 302 जनकर मृत्यु हेला हजार हजार लोकंक घर द्वार सबु किछि बर्बाद होइगला। जुलाई मासरे ही पश्चिम जर्मनी रे आसीथिला भयंकर बन्या जो 194 जनकर मृत्यु हेला एपरिक बन्यारु पड़ोसी बेल्जियम बर्ती पार नथिला सेठारे 38 जनकर जीवन जाइथिला। एप्रिल 13 रे पूर्व इंडोनेशिया एवं तिमोर लेस्टे रे लैंडफॉल करिथिला बात्या सेरोजा एहि दुईटी देश रे 222 जनकर जीवन नैथिला सेरोजा एपरिक परवर्ती समय रे यहा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रे मध्य व्यापक क्षयक्षति घटाइथिला। इंडोनेशिया रे आग्नेयगिरी मध्य प्रबल क्षयक्षति घटाइला कुराहा कोबाकान गाँव को एक प्रकार पोड़ी पाउंश करदेला भोलकानो 45 जनक मृत्यु होता बेले अनेक निखोज हेले एपरिक दीर्घ दिन पर स्थिति नियंत्रण को आसी पारिनी। आम देश 2021 रे अनेक विपर्यर मुकाबला करी बात्या बन्या सह तुषारपात सृष्टि करी नाही नथिबा समस्या कोरोना महामारी भितरे एभली प्राकृतिक विपर्य साधारण लोकों कष्ट करी द्विगुणित। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। 2020 रे एक प्रकार सब आउटडोर एंटरटेनमेंट रे ब्रेक लागिगला हेले 2021 रे से भली हेलानी दुबई एक्सपो भली बड़ इवेंट आयोजन हेउ कि ऑनलाइन माध्यम रे एंटरटेनमेंट कार्यक्रम घरे बसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को उपभोग कले लोके कोविड गाइडलाइन सहित सिनेमा हॉल भी चलिला महामारी सहित मुकाबला मध्यरे बंचिबा सिखाई देला 2021 21 वर्ष पर भारत को मिस यूनिवर्स मुकुट फेरिबा थिला आउ एक बड़ उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक्स हेउ कि T20 क्रिकेट विश्वकप एवं टेस्ट चंपियनशिप घरे थाई मध्य खेलाड़ी को चीयर अप करबा को भूली नथिले दर्शक। कोरोना सह बीतीगला 2021 समय समय रे नुआ भारियंट चिंता बढ़ेला हेले महामारी भितरे भी केमिति जीवन स्वाभाविक होई पारिबो सेनी मध्य प्रयास जारी रहिला। आउटडोर एंटरटेनमेंट रे पूरा पूरी लागिलानी ब्रेक बिना दर्शक रे मध्य किभड़ी मेगा इवेंट आयोजन होई पारिबो ताहा करी देखाइला जापान 23 जुलाई रु 8 अगस्ट मध्य रे कोविड गाइडलाइन भितर आयोजित हेला ओलंपिक्स 2020 रे जो ओलंपिक्स को स्थगित रखिबा को बाध्य होइतिला जापान ताहा 2021 रे संभव होई पारिला। ए ओलंपिक्स रे 39 टी स्वर्ण पदक जीति तालिका रे टॉप रे रहिला अमेरिका अन्य पटे 38 टी गोल्ड सह द्वितीय रे रहिला चीन भारत मध्य चमत्कार प्रदर्शन करी 7टी मेडल जितिबारे सफल हेला। सबुठू आकर्षणीय थिला व्यक्तिगत इवेंट जावलिन थ्रो रे भारतर नीरज चोपड़ा जितिले गोल्ड मेडल। सेपरी दुबई रे बिना दर्शक रे हेला T20 क्रिकेट विश्वकप ग्रुप पर्याय रे पाकिस्तान थारु हारिथिबा भारत सेमी को जाई पारलानी अन्य पटे प्रथम करी ऑस्ट्रेलिया T20 विश्वकप जितिबारे सफल हेला। टूर्नामेंट रे भलो प्रदर्शन करथिले मध्य न्यूजीलैंड को एथरा भी निराश सेवा को पड़िला। T20 विश्वकप रे निराश होइथिले भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रे भारत को हराइबारे सफल हेला किवी दल केन विलियमसन का नेतृत्व रे भारत को हराइबारे सफल हेला न्यूजीलैंड। कोरोना कटकणा भितरे आयोजित हेला यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूएस ओपन चमक भी देखिबा को मिलिला आहुरी किछि स्पोर्टिंग इवेंट जहां कोविड गाइडलाइन भितरे आयोजित हेला या भितरे भुवनेश्वर रे आयोजित जूनियर हॉकी विश्वकप मध्य शामिल। केवल स्पोर्ट्स कहेंगे 2021 रे आयोजित दुबई एक्सपो भी समस्तंक मन जिणिला अक्टोबर रु आरंभ होइतिबा एही एक्सपो आसंता मार्च पर्यंत चलिबो 2020 रे हर आयोजन हेबार थिला
ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହନାସ ସାନ୍ଧୁ 2021 ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ହନାଜ। ଏଥିସହ ସୁସ୍ମିତା ଓ ଲାରାଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହନାଜ ହେଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ସଫଳତାର ସହ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେଲା, ହେଲେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କଟକଣା ଭିତରେ ଆୟୋଜିତ ଆଉଟଡୋର ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଘରେ ବସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ସିନେମା ହଲ୍ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି କଟକଣା ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଦର୍ଶକ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଭିର ମଜା। ୨୦୨୧ ବି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଓ ମୁଭି ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିପାରେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିନି ବ୍ରେକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୋ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଅନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଜରୁରୀ। 2021 ଏଭଳି ହିଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିପରି ସବୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଆଶା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।